स्वागत है जी आपका अगली वीडियो में। और आज है सनी डे, अच्छी खासी धूप निकली हुई है, लेकिन कल परसों भाई साहब यहाँ पे गिरे थे हेल स्टोन्स, ओले गिरे थे यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। थैंकफुली आज धूप निकली हुई है, छुट्टी वाला दिन है, धूप निकलना ज़रूरी है तभी घूम पाते हैं। मौसम ख़राब है वरना कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे अभी मौसम जो था इतना ठंडा हो गया था, मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, गाड़ी के विंड स्क्रीन पे भाई साहब बर्फ़ जम गई थी और उसको सुबह सुबह गर्म पानी से हटाना पड़ा था। बट एनीवेज आज का दिन सुहाना है, मैं और सुरभि और हमारे फ्रेंड्स हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। पहली बार जा रहा हूँ उस जगह और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि कैसी जगह है। और हम लोग जा रहे हैं अभी शेक्सपियर रीजनल पार्क, यहाँ से एक घंटे की ड्राइव है, नॉर्थ की तरफ पड़ता है थोड़ा सा, तो वहाँ पर जाएंगे, घूमेंगे, आपको भी घुमाएंगे और दिखाते हैं कि जी यहाँ के रीजनल पार्क होते कैसे हैं। तो अब चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, निकलते हैं आगे। चलो तैयार हो? चलो भाई। लो भाई आ गए ये स्पेशल पेड़ के पास, सुरभि को यहाँ फोटो खिंचवानी है इस पेड़ के साथ। ये भी लड़कियों के शौक भी ना, स्पेशली डी रूट लिया है इस फोटो के लिए भाई। चलो आओ तुम्हारी फोटो खींचे, प्यारा इतना है, देखो ना। हाँ बहुत गजब, एकदम एक नंबर, मस्त पेड़ है लाल। मैं वहाँ से खींचू? चलो ठीक है ठीक है, वहाँ खड़े होंगे, वहाँ से यहाँ की फोटो खींचेंगे रेड पेड़ की। एक महीने से बोल रही है यहाँ पे फोटो खिंचवानी है, फोटो खिंचवानी है रेड पेड़ पे, दो महीने से, सॉरी। चलो फोटो खींचते हैं। आ गए हैं डेस्टिनेशन पे, ये है हार्बर विलेज और यहाँ पे नज़ारे कुछ ऐसे हैं। फ्रेंड्स आ गए हैं हमारे, शायद ये वाला कैफ़े है, नहीं ये वाला नहीं, हमारा है चेरी कैफ़े। यहाँ पे कैफ़ेज बने हुए हैं सारे, बहुत ही सुंदर है यार। एक्चुअली मौसम अच्छा है ना, मौसम अच्छा है तो सब कुछ ही सुंदर सुंदर लग रहा है आज यहाँ पे, क्योंकि ब्राइट हो रखा है काफ़ी कुछ। अब चलते हैं अपने कैफ़े की तरफ, हमने कैफ़े देख रखा है, अगर वो नहीं मिला तो दूसरे कैफ़े में बैठ जाएंगे क्योंकि भूख बहुत लग रही है। ये लॉज है गल्फ हार्बर लॉज, और आज सारे के सारे बाहर आए हुए हैं धूप की वजह से। फ्रेंड्स लोग भी आ गए हैं, आगे आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। आ गया भाई अपना चेरी कैफे, यहाँ जाना है हमने। चलो जी भाई जी, शादी हो रही है सामने, की भी शादी सामने, गेट टुगेदर चल रहा है। खाना गया अपना फिश एंड चिप्स, और ये प्यारी बच्ची ग्रेस से, ग्रेस हाय। ये हॉट चॉकलेट है और यहाँ पे हॉट चॉकलेट जो है ना मार्शमेलो के साथ दी जाती है ज्यादातर। चलो अपना बर्गर आ गया भाई, थैंक यू। पैनकेक्स आ गए टेस्टी टेस्टी। तो जी खाना पीना तो हम लोगों का हो गया कैफ़े में, अब लोग यहाँ से निकलेंगे शेक्सपियर रीजनल पार्क और वहाँ जाके दिखाते हैं आपको कि चीज़ क्या है। हम लोग भी पहली बार जा रहे हैं यहाँ पे, खाने पीने का जुगाड़ अच्छा था, नॉट टू गुड नॉट टू बैड, ओके ओके टाइप्स था, बट अपना पेट पूजा हो गई है भाई। यहाँ पे जो पौंड या लेक बना हुआ है ना, यहाँ पे घूम रही है स्टिंग रे और इतनी प्यारी लग रही है, वो भी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, इतनी बड़ी है साइज़ में, कैमरा में लग नहीं रही है। बट एनीवेज चलो अब आगे चलते हैं शेक्सपियर रीजनल पार्क में, देखते हैं क्या गुल खिलाते हैं। चलो जी चलो चलो, ये नीचे बीच वाला रास्ता है, यहाँ से जाएंगे, नीचे बीच है प्रॉपर पूरा, और यहाँ पर कुछ व्यू पॉइंट्स भी हैं और वाटरफॉल भी है, वो भी फिगर आउट करना है हमने, अगर मिलता है तो ठीक है वरना चलते हैं। हाँ हम लोगों ने एंटर तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना ये रीजनल पार्क्स में क्या होता है, ये फ्रेम्स बने हुए होते हैं इस तरीके के, और आप अपनी फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हो, हमने तो खैर खिंचवा दी थंबनेल में भी आप देखोगे, लेकिन ये बहुत सही लगता है यार एक्चुअली में, अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं ये, मैंने ना काफ़ी सारे रीजनल पार्क्स के गूगल मैप्स में देखी हैं ऐसी फ़ोटोज़, गुड कॉन्सेप्ट। मोर दिख गए यहाँ पे, ओह इतने सारे हैं। आई वाज गोइंग टू से पी हेन, इट इज ये पी हेन है भाई, पी हेन दिख पाजो ना। हाँ राइट 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 भाई, गूगल कर लिया है, ये पी हेन है, ये सुंदर है यार बहुत। अभी भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल गई, ये है बारबेक्यू,
एंड आई थिंक इसकी कुछ पेमेंट होती है, चाबी अभी मिल के आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। ये राइट इन द मिडल ऑफ रीजनल पार्क है, किराए में मिलता है ये, इसको यूज़ कर सकते हैं, लोगों ने यूज़ भी किया है। बारबेक्यू का ना यहाँ पे चलन बहुत ज़्यादा है, जितने भी लोग ऐसा बारबेक्यू करते हैं यहाँ पर, खासकर जब समर आती है तो बारबेक्यू चल रहा होता है, रीजनल पार्क के अंदर ही बना रखे हैं बारबेक्यू। एक वो भी है, एक ये भी है, और भी होंगे आगे, सब बढ़िया। ऑकलैंड काउंसिल ने काफ़ी अच्छा जुगाड़ किया हुआ है। थोड़ा आगे चलते हैं, ढूंढते हैं, हमारी पलटन तो आगे चले गई है, मैं पीछे रह गया हूँ, मेरा ड्रोन रह गया था, सोच रहा था मैं ड्रोन उड़ाता हूँ एक बार और थोड़ा नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ के कि कितना सुंदर है। अब यहाँ से नीचे जाएंगे बीच की तरफ। ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे, वहाँ पे है वो रहा। अब ये जो बोलते हैं ना न्यूजीलैंड अपना बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है, ये उसका एग्जांपल है। यहाँ से अंदर जाते हैं ना तो हमारा जो वाटरफॉल का रास्ता आता है, और ये देखोगे ना आप, ये कह रहे हैं भैया अपने जूते वूते साफ़ करो, ब्रश करो, इंस्पेक्ट करो, डिसइंफेक्ट करो, स्टे ऑन ट्रैक। ये चाहते हैं कि इनका जो पूरा फ्लोरा एंड फाउना है वो डर्टी ना हो, गंदा ना हो। और यहाँ पे एक्चुअली में बर्ड्स एनिमल्स हैं, इन्होंने पहले से ही कॉशन दिया हुआ है, तो ये रास्ता है, यहाँ पे जाएंगे तो अपना पहले जूता साफ़ होगा, उसके बाद फिर वहाँ पे ऐसे रगड़ के साफ़ करना है। ये साफ़ सफाई का सारा तामझाम है, पानी वानी अगर कुछ गंदा है तो साफ़ करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर साफ़ सफाई रखना। सॉरी गाइस, थोड़ा लाइट कम है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, लेकिन ये है वो वाटरफॉल शेक्सपियर। कौन सा रिजर्व है ये? है तो शेक्सपियर रीजनल पार्क। हाँ, शेक्सपियर रीजनल पार्क, गली गली वाटरफॉल। हाँ, वाटरफॉल गली, और ब्यूटीफुल है यार ये। तो जी, आज के दिन का यही होता है अंत, अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, और आई होप आपको ये छोटी सी ट्रिप, छोटा सा एफर्ट आपको पसंद आया होगा। यही हमारा रोज़मर्रा के दिन होते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो आपको भी साथ में घुमाते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा नाम है मनीष रावत, मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।